इंदौर रेसिडेंसी कोठी में सिप्ला कंपनी द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट्स का डोनेशन जिला प्रशासन को किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद रहे। जी हां, इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि विपदा काल में अनेक कंपनी और सामाजिक संस्थाएं अपना योगदान दे रही है। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आपदा के इस समय में यह इक्विपमेंट लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। सिप्ला कंपनी द्वारा 50 लाख रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट इंदौर के जिला प्रशासन को सौंपे गए, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हीलचेयर, सिलाई मशीनें सहित कई अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल है। गौरतलब है कि सिप्ला फाउंडेशन लगातार जनहित के कार्यों में CSR के माध्यम से अपनी सहभागिता आपदा के दौरान निभा रही है। इसी कड़ी में आज सिप्ला फाउंडेशन द्वारा यह 50 लाख रुपए का योगदान कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस दौरान इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित विधायक रमेश मेंदोला और कलेक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों ही कंपनियों के द्वारा किए गए सहायता को सराहा और दिए गए इस मेडिकल इक्विपमेंट्स को कोरोना वायरस में संजीवनी का काम करेगी। इंदौर के सिप्ला 50 लाख के उपकरण सिप्ला फाउंडेशन की ओर से दी गई इस आपदा संयोग का मंत्री सांसद ने आभार व्यक्त किया है। मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, आपदा प्रबंधन सदस्य निशांत खरे की मौजूदगी में दी गई। वहीं CII की ओर से भी 1,25,000 किट दी गई, जिला प्रशासन को दी गई। आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि फिलहाल 45,000 किट उपलब्ध हो चुकी है, बाकी की किट भी शीघ्र उपलब्ध की जाएगी। विधायक जी का और इंदौर के कलेक्टर साहब का सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि CII फाउंडेशन और CII के मेंबर्स इस आपदा में आगे आए हैं और हमें आने का मौका दिया है। हमने CII फाउंडेशन की तरफ से कुछ एम्बुलेंसेस, कुछ कॉन्सनट्रेटर्स, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कुछ बेड्स की व्यवस्था करी है। उसी के साथ साथ CII मेंबर्स ने ये 1,25,000 किट्स जो होम आइसोलेशन मेडिकल किट्स के नाम से हमने बनाई हैं, जो कि सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया था, उसमें प्रिस्क्रिप्शन था, उसी तहत हमने अच्छी ब्रांडेड कंपनी से खरीद कर सरकार को ये दे रहे हैं और सरकार घर घर उसका वितरण करेगी। अभी तक 45,000 किट्स हो चुकी हैं और कोशिश करके जल्द से जल्द 1,25,000 किट्स का पूरा टारगेट हम अगले हफ्ते 10 दिन में पूरा करने की कोशिश में हैं। इससे जो बीमारी बढ़ जाती है, हमारी ये सोच है कि इस बीमारी को बढ़ने से पहले रोकने की कोशिश की जाए। ये हमारी एक छोटी सी पहल है, सरकार के साथ है CII और सारे मेंबर्स भी, और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। हरी हो, उन्होंने हमें एक मौका दिया जो आज हम लोग 50 लाख के मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट सिप्ला इज केयरिंग फॉर लाइफ एंड वी आर सर्विंग फॉर लास्ट 85 ईयर्स एंड वी ट्रूली लिव फॉर पर्पज ऑफ लाइफ। एंड आगे भी हम लोग और कोशिश करेंगे, जो कोविड में या कोविड के कारण जो भी पेशेंट्स हैं जिनको दवाई की ज़रूरत है या मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी जहाँ पे लेट्स से जहाँ पे दिन में 3,000 बनते थे, आज हमने अब 10,000 से लेके 15,000 तक कैपेसिटी बढ़ाई है। तो अभी वो क्राइसिस नहीं रहेगा रेमडेसिविर का। अभी दूसरा जो है वो एम्पिट्रेसिन बी, उस पर भी काम हो रहा है। बिकॉज सबको मालूम है एम्पिट्रेसिन बी ये ब्लैक फंगस अभी रिसेंटली चालू हुआ है, लास्ट महीने से वही स्टोरी है जो रेमडेसिविर में हुई थी। और कुछ 15 दिन या 20 दिन में एम्पिट्रेसिन बी की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, सो दैट वो जो ब्लैक फंगस या येलो फंगस जहाँ पे हमारे लिए दिक्कत सामने आई है, वो नेक्स्ट 15 दिन या 20 दिन में काफ़ी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। एंड हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश बिल्कुल इंदौर के लिए क्या बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, मनीष सिंह साहब ने भी मुझे बोला है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, खास करके सिप्ला कंपनी ने जो 50 लाख के इक्विपमेंट दिए हैं, वो आने वाले दिनों में शासकीय अस्पतालों में जो हमारे गरीब वर्ग के लोग इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ये जो इक्विपमेंट दिए हैं, उसमें हमने उन सब बातों का ध्यान रखा है कि जो आने वाले समय में हमें लगने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि संभावना
जो बनती है कि तीसरी वेव में संभावना बन सकती है, तो उसमें जो आवश्यक है वो सब हमने बोला है। और हमने उनसे ये भी निवेदन करा है कि आने वाले समय में खास करके बच्चों के लिए और बच्चों के अलावा जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो भी आने वाले समय में वो उपलब्ध कराएंगे, ऐसी उन्होंने भावना दी और इसमें भी दिए हैं। CIA द्वारा जो फाउंडेशन द्वारा जो आज दवाइयाँ दी गई है उसके लिए उनको धन्यवाद। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में खास करके क्योंकि वो उद्योगों से संबंधित है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ श्रमिक लोग रहते हैं, हमारे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ मेडिकल की सुविधा और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए बातचीत हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम गरीब वर्ग और श्रमिक लोगों के बीच में किस प्रकार की सुविधा ज़्यादा कर सकते हैं उसमें वो मदद करेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने दी है। देखिए पहले तो मैं बता दूँ, एक फ़ोटो मेरा ट्रोल हुआ था उसके बारे में स्पष्ट बता दूँ। मेरे परिचित हैं, उनकी माताजी कोविड में हुई थी पॉजिटिव, लेकिन ठीक होके घर आ गई थी, और उसके बाद ठीक होके घर आने के बाद फिर उसकी तबीयत खराब हुई। सिम्टम कोविड के नहीं थे लेकिन ऑक्सीजन लेवल को लेकर कुछ था। वो जो व्यक्ति थे जो मेरे परिचित थे, उन्होंने कहीं से खास करके DADC से और हैदराबाद से वो दो सैंपल वहाँ से लाए थे, और चूँकि उस समय मैं उनकी माताजी को ICU में देखने गया था क्योंकि मेरे परिचित थे, और उस समय उन्होंने बोला था कि एक माताजी के साथ फ़ोटो ले लूँ। मैंने उनको पहले ही कहा था यहाँ मत लो, लेकिन उनकी जिद थी, मेरे परिचित थे, उन्होंने कहा ये मेरे व्यक्तिगत है, माताजी के साथ आप मिलने आए हो कि मेरे परिवार वालों को दिखाऊंगा कि सांसद मेरे माताजी से मिलना है। पर किसी कारणवश उन्होंने किसी को फोटो भेजा होगा और सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ होगा, वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, तो हमने कभी सोशल मीडिया पर डाला ना हमने कहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो पाउडर की बात आ रही है, मैंने केंद्र सरकार से बात की है, कुछ और सैंपल इंदौर आने की संभावना कुछ आए हैं, लेकिन ये सैंपल हैं, ये अभी अधिकृत हुए नहीं है। तो हॉस्पिटल के द्वारा अगर मैंने सोशल मीडिया पे भी अभी डाल देंगे, अगर कोई मेल के माध्यम से उस कंपनी के मैं नंबर और बाकी चीज़ें डाल दूंगा, अगर वो वहाँ भेजते हैं तो कंपनी कोशिश करेगी प्रोवाइड कराने की। पर अभी ये कह नहीं सकते कि हम जितनी डिमांड करेंगे उतनी वो देंगे, पर जो डॉक्टरों की रिपोर्ट जो यहाँ स्थानीय स्तर पर बताई गई है, एक सकारात्मक रिपोर्ट बता रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल और बाकी जो पैरामीटर हैं बहुत अच्छे हुए हैं। कारगर दवाई ऐसे डॉक्टरों का कहना है मेरा नहीं। इस पर घोषणा करने वाले हमारे शहर के लोग हैं, सार्वजनिक घोषणा करते हैं और सार्वजनिक है, ऐसा कोई नहीं, सब खुला है। नहीं आप मांगेंगे तो बिल्कुल, आप मांगेंगे तो बिल्कुल दे देंगे। मुझे लगता है आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्पष्ट घोषणा करने वाले हैं। अच्छा, शाम तक हम इंतजार करें, शाम तक कुछ स्पष्ट आदेश आ जाएगा। आज बैठा करो, 4 बजे। इस महामारी में जब हर चीज़ की आवश्यकता हो, ऐसे समय सिप्ला कंपनी के संदीप जी का, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने उपकरण से लेकर वो हर सामान जो इस कोविड की आवश्यकता पड़ती है, जो आपने दिया 50 लाख का, ये पैसे की कीमत नहीं है, इनकी भावनाओं की, इनके समर्पण की, इनके इस आपदा में इस कंपनी का काम करने की शैली का, इसलिए मैं इनका भी आभारी हूँ। नेशनल एंड स्टेट हेड एवं समस्त अधिकारी आपके साकला जी, भाईती जी का है, और पंजाब जिलों से बहन है ना, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आपको बताया कि हमारे ग्रामीण अंचल में जब मेडिकल किट की आवश्यकता लगती है, 1,25,000 किट जो दी है, ये आपदा में एक संजीवनी का काम ये किट करेगी,
वो सारी मेडिसिन जो इस कोविड में, इस कोरोना में जिस प्रकार से सबसे बड़ा इलाज इसका समय पे उपचार, ये उसकी संजीवनी का काम करेगी। और जो साकला जी ने और भाईटी जी ने बताया, लगभग लगभग अभी मध्य प्रदेश में 45 हज़ार किट बढ़ गई है, जो शेष बची है वो भी अतिशीघ्र बढ़ जाएगी। मैं फिर से कंपनी का और व्यक्तिगत रूप से प्रभारी मंत्री के साथ साथ सांसद जी की तरफ से, हमारे सम्मानी विधायक जी के और डॉक्टर निशान जी की तरफ से, हमारे ज़िले के मुखिया मनीष जी की तरफ से, और सबसे ज़्यादा इंदौर वासियों की तरफ से, क्योंकि इंदौर एक अद्भुत शहर है। जब इंदौर कोई काम करता है तो बाकी में उसका प्रभाव इंदौर नहीं मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्र में पड़ता है। जिस प्रकार से राधा स्वामी सत्संग माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की, आधे घंटे में करोड़ों रुपए इंदौर वासियों ने ये दिए हैं। मैं उनको भी आज प्रणाम करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इस संकट में, इस आपदा में, इस महामारी में, इस जब महासंग्राम चल रहा हो उसे समय आप लोग सब आ गया हैं, मैं वाकई में दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इंदौर वासियों की तरफ से, भाइयों बहनों की तरफ से, और सारे अधिकारी वर्ग की, और मुख्यमंत्री की तरफ से, सांसद जी रमेश जी की तरफ से, मैं इनका वाकई में दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ। सांसद जी।